हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम वंस अगेन इन रामलीला क्लासेस। क्विज अभ्यास कक्षा छठी का सिक्स का सॉल्व करेंगे मैथ्स का, वीक 15 और आज की डेट है 16 अक्टूबर 2021। तो मैथ्स के क्वेश्चन बताऊंगी यहाँ पर। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा विकल्प फूलों की संख्या के लिए सही है? तो यहाँ काउंट करना है। देखिए 6 दिख रहे हैं मुझे, तो 6 क्या होगा? सम संख्या होगी, यानी कि यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम। अगला है, देखिए यहाँ पर 6, 3, 2, 5, 9 लिखा है। तो प्रश्न पढ़ते हैं, पहले दी गई संख्याओं के समूह में से सम संख्याओं को पहचानिए। तो यहाँ पर सम संख्या हो जाएंगी 2 और 6, यानी कि यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2 और 6। अगला है, दी गई संख्याओं में सभी विषम संख्याएँ ज्ञात कीजिए, 2, 4, 5, 6, 8। तो देखिए विषम संख्याएँ क्या हो जाएंगी, 5 और ओनली 5 ही दिख रही है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5। अगला है, 24 के अभाज्य गुणनखंडों को पहचानिए। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, निम्न में से कौन 120 का एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, डी, मतलब ऑप्शन नंबर 4, 7। अगला है, यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 5 × 7 है तो वो संख्या क्या है? तो वो क्या करना है आपको, इनका गुणा कर देना है, 7×5 35, फिर 35 × 3 और फिर 2 × 2 आगे करना है। तो ये हो जाएगा 420, यानी कि हम करेंगे 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12×5 = 60 और 60 × 7 करना 642 और 0 हो जाएगा, 420 हो जाएगा। उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है, एन को 5 से विभाजित करने पर हमें शेष के रूप में 1 प्राप्त होता है, तो डैश उस संख्या का इकाई का अंक होगा। तो यह हो जाएगा 2, 1 और 6। अगला होगा, एक संख्या 3 से विभाज्य होती है यदि वह संख्या का डैश 3 से विभाज्य हो, यानी कि अगर इसका जोड़ 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, एक संख्या के अंकों का योग करने पर वह 3 से विभाज्य हो, यानी कि योग यानी जोड़, ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो देखिए ये क्विज कंप्लीट हो गई, बहुत ही आसान से गणित के सवाल थे जो फटाफट पूरे हो गए हैं। तो यहाँ हमने छठी क्लास की गणित के सवालों को का हल देखा है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए।